जितने भी वहाँ के बीजेपी के विधायक हैं और वहाँ जो मेयर है, बड़े पैमाने पर जमीनों का घोटाला कर रखा है मंदिर के नाम पर। वो तो मनुवादी विचारधारा के हैं, ओबीसी विचारधारक प्रधानमंत्री थोड़े ना है। अगर ओबीसी की विचारधारक प्रधानमंत्री होते तो जातिगत जनगणना अभी तक हो गई होती। वहाँ पर ओबीसी और एससी की जमीनों को छीना जा रहा है और मंदिर के नाम पर जो है बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है और नेशनल मीडिया में इस बात को चला। कुत्तों गिनती होती है, बिल्लियों गिनती होती है, हाथियों गिनती होती है, जानवरों पेड़ों गिनती होती है, लेकिन जब जातियां बनाई गई तब बड़ा मजा आया। अब जातियां बनाने के बाद आपको गिनती कराने में क्या दिक्कत हो रही, गिनती क्यों नहीं करा रहे? वहाँ का जो विधायक है अयोध्या का, उसके नाम पर FIR हुआ है, वहाँ का मेयर के नाम लोग खिलाफ में है, और हमारे जो है तमाम ओबीसी के मकानों को और हमारे पूर्व सैनिकों के मकान को गिराया गया है। महासभा बहुत ही जल्द सड़कों पे आने के लिए तैयार, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे। जिस प्रकार से रीवा में हो रहा है, उसी प्रकार से प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में भी होगा। मंदिर के नाम पे हमेशा धोखाधड़ी हुआ है, करोड़ों रुपया राम जन्मभूमि के चंदे को ये लोग खा गए हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए, जब बुलडोजर चलेगा तब देखा जाएगा, बुलडोजर चलेगा क्या होगा वो तो बात की बात है। उनका फार्मूला है हिंदू बनाने का और हमको मुसलमान को बिगाड़ने का, अब हम लोग हिंदू मुसलमान में फंसने वाले नहीं है। अभी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको मंदिर जाना चाहिए या विद्यालय जाना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर ओबीसी महासभा का एक दिवसीय आंदोलन चल रहा है। तो हमारे साथ है राम निवास वर्मा जी, उत्तर प्रदेश ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे क्या जिस तरीके से ओबीसी महासभा का जो रिजल्ट हमने मध्य प्रदेश में देखा, यूपी में कैसी महासभा काम कर रही है। वर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जनहित आवाज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है ओबीसी महासभा, आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी पोस्ट है। मैं कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा लगभग 7 सालों से काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में अभी ओबीसी महासभा को 3 ही साल हुए हैं, जिसमें 2 साल कोरोना काल में निकल गए हैं। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, उसके बाद पूरे जिलों में लगभग टीम तैयार है और मध्य प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा है भी नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में आरक्षण 14% है, उत्तर प्रदेश में कहने को तो 27% मिल नहीं रहा है, लेकिन कहने को 27% है। मेन मुद्दा आरक्षण का ही है, उत्तर प्रदेश में 27 है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी हम लोगों को कोई मेन पॉइंट नहीं मिल रहा मुद्दा आवाज़ उठाने के लिए। जिस दिन उस प्रकार से रहेगा, हमारी ओबीसी महासभा की टीम मजबूत होती जा रही है, तो आज नहीं कल हम लोग अभी तक प्रदेश में मतलब एक अंदाजे के तौर पर कितने लोग जुड़ चुके हैं, जिला वाइज और हर जिले में लगभग टीम तैयार हो गई है, 10 लोगों की, 15 लोगों की, किसी जिले में 10 लोग हैं, किसी जिले में 15 लोग हैं, किसी जिले में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, लगभग हर जिले में टीम तैयार है। बहुत जल्द हम लोग लखनऊ में एक जो है बहुत भव्य मीटिंग करने के लिए विचार बना रहे हैं, बहुत जल्द ही हम लोग उसी से हम लोग आगाज भूकेंगे कि हम लोग क्या क्या मेन मांगे रहेंगे। अभी जो है जंतर मंतर पर 13 पॉइंट जो है मांगे हैं ओबीसी महासभा की, जिसमें जाति जनगणना है, आरक्षण को बढ़ाकर 33% से 50% करना है, तो इनको लेकर कैसे ओबीसी महासभा सोचती है या ओबीसी के लोग सोचते हैं, क्योंकि ओबीसी के तमाम सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं। कहाँ ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, कहने के लिए प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं ना, वो तो प्रधानमंत्री जो है चुंगुल में फंसे हुए हैं मनुवादियों के, वो तो मनुवादी विचारधारा के हैं, ओबीसी विचारधारक प्रधानमंत्री थोड़े ना है। अगर ओबीसी की विचारधारक प्रधानमंत्री होते तो जातिगत जनगणना अभी तक हो गई होती। क्यों नहीं जातिगत जनगणना हो रही है? कुत्तों गिनती होती है, बिल्लियों गिनती होती है, हाथियों गिनती होती है, जानवरों पेड़ों गिनती होती है, लेकिन जब जातियां बनाई गई तब बड़ा मजा आया। अब जातियां बनाने के बाद आपको गिनती कराने में क्या दिक्कत हो रही, गिनती क्यों नहीं करा रहे हैं? मेन मुद्दा तो हमारा यही है, आप हमको कुछ मत दीजिए, आप हमारी जातियों की गिनती करा दीजिए। जिस दिन आप जातियों की गिनती करा देंगे, उस दिन पता चल जाएगा। सरकार तर्क देती है, अगर जाति के आधार पर गिनती कराएंगे तो समाज बढ़ जाएगा, समाज में द्वेष फैलेगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए वो जो है ओवरऑल जनगणना कराते, ताकि समाज एक जो है जातियां बनाई तो नहीं बटा हुआ है। आप जाइए गांव में, देखिए क्या कोई चमार ब्राह्मण के यहाँ पानी पी रहा है?
अभी भी समाज बटा ही हुआ है, अभी कौन समाज एकजुट है भाई? अगर समाज एकजुट है तो अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? जातियों में तो बटा हुआ है, पहले से जातियों में समाज बटा हुआ है। आप ऐसा कोई समाज बता दीजिए जो दूसरे समाज में शादी कर रहा हो। सरकार तो कह दिया उन्होंने कि भाई जाति जनगणना नहीं होगी। जाति जनगणना तो करानी पड़ेगी, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या 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 करेगी ओबीसी महासभा? ओबीसी महासभा बहुत ही जल्द सड़कों पे आने के लिए तैयार है। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे, जिस प्रकार से रीवा में हो रहा है उसी प्रकार से प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में भी होगा। वो समय बहुत दूर नहीं है कि जब प्रदर्शन ओबीसी मध्य प्रदेश वाला प्रदर्शन यहाँ नहीं दिखेगा, उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश वाला प्रदर्शन बहुत जल्द ही दिखने वाला है। तो करनी लगता जिस तरीके की सरकार है यूपी में, तो यूपी में तो बुलडोजर बाबा है। अरे तो बुलडोजर बाबा तो क्या करेंगे, बुलडोजर चलने के लिए अब हम डरेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर क्या करेंगे? अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। जब बुलडोजर चलेगा तब देखा जाएगा, बुलडोजर चलेगा क्या होगा वो तो बात की बात है। अभी हमने बोला, जहाँ मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में, चीनी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ हमने 11 दिन फैक्ट्री बंद कर दी थी। 11 दिन बाजार हिंदुस्तान चीनी मिल बंद रखा, हमारे घर की पैमाइश होने लगी, हमारे कारखाने की पैमाइश होने लगी। तहसीलदार और SDM बोले गिरवा देंगे, हमने गिरवा दो जाके। लखीमपुर तो कहते हैं कि वो टेनी जी का इलाका है, वहाँ तो खून उनका चलता है। तो क्या है, इलाका तो जो है किसी का नहीं होता, इलाका किसी की बाबदाई थोड़े ना है, देश स्वतंत्र है। उनके बेटे ने किसानों पे जिप्सी चढ़ा दी थी, आरोप लगा, जेल में है भाई। जिप्सी चलाई तो जेल में पड़े हुए आज की डेट में है, कहीं जेल से भी छूटे तो है नहीं। अभी टिकैत जी ने 72 घंटे का धरना दिया था, विधानसभा जी को भी उन्होंने कहा है कि वो दो मतलब बोलना नहीं चाहिए। तो कौड़ी का आदमी तो कहने के लिए तो आदमी बात जवान है, एक तरफ दो टके आदमी कहते हैं, बाद में फिर भाषा बदल देते हैं टिकैत जी, फिर तो टिकैत जी कहते हैं। एक बार आप कहते कुत्ते भोंकते रहते हैं, दोबारा फिर टिकैत जी क्यों कहते हैं भाई? ये लोग जो है बहुत होशियार लोग हैं, ये कभी जी कहेंगे कभी कुत्ता कहेंगे। लेकिन ओबीसी जब चुनाव आता है तो वो हिंदू हो जाता है कहीं ना कहीं, हाँ, चाहे 2022 के दिन ओबीसी हिंदू होना बंद हो जाएगा, उस दिन शासक हम लोग होंगे। अभी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मंदिर जाना चाहिए या विद्यालय जाना चाहिए। जिस दिन उनकी समझ में आएगा हमारा भला मंदिर से नहीं है, हमारा भला विद्यालय से है। यूपी में काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो तालुक लेवल पे हो, गांव के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, क्योंकि कोई काम ही कहाँ हो रहा है। क्योंकि जो अधिकारी है, में केवल एक काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है। मंदिर का बजट 100 करोड़ आ रहा है और अस्पताल का बजट 10 करोड़ आ रहा है, ये चल रहा है यूपी। यूपी में मंदिरों की स्थापना हो रही पूरी तरीके से, दूसरा कोई काम यूपी में नहीं हो रहा है। और भी लोग है, क्या लगता है सर, ओबीसी समाज इस बार जागरूक हुआ है या होगा? इस बार बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज जाग रहा है, और ओबीसी की जो 3,743 जातियां हैं वो एक मंच पर आ रही हैं, उसका जो है ओबीसी महासभा मंच है। और बड़े पैमाने पर पूरे भारत में लगभग 2500 प्रदेश में इकट्ठा हो रहा है, और वर्तमान में जो ओबीसी के हक अधिकार शून्य हो रहे हैं, और जो आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार है कि ओबीसी का पूरी तरह से अधिकार शून्य होने के नाते सारे ओबीसी समाज इकट्ठा हो रहा है। जिस तरह से पहले मंडल को ओबीसी की कुछ जातियां कमंडल के रूप में आगे बढ़ाया था, मंडल कमीशन को रोकने के लिए साध्वी रीतम भरा और कल्याण सिंह और कटियार साहब, लेकिन इस बार उन्हीं जातियों के तमाम जातियों के लोग अब इकट्ठा हो करके अब सारे कमंडल फोड़ेंगे और पूरी तरह से मंडल को लाएंगे। इस बार ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और
आप अयोध्या से आते हैं, वहाँ तो भव्य मंदिर बन रहा है, लोगों की आस्था के आस्था थी उनकी तभी मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में लगता है कि मंडल और जो कमंडल वाली लड़ाई थी वो सफल हो पाएगी? क्योंकि मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशें कब दी थी, आज तक लागू नहीं करवा पाया ओबीसी समाज? अभी मैं अयोध्या का हूँ और मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी वहाँ के बीजेपी के विधायक हैं और वहाँ जो मेयर है, बड़े पैमाने पर जमीनों का घोटाला कर रखा है मंदिर के नाम पर, और वहाँ पर ओबीसी और एससी की जमीनों को छीना जा रहा है, और मंदिर के नाम पर जो है बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, और नेशनल मीडिया में इस बात को चला। वहाँ का जो विधायक है अयोध्या का, उसके नाम पर FIR हुआ है, वहाँ का मेयर के नाम लोग खिलाफ में है, और हमारे जो है तमाम ओबीसी के मकानों को और हमारे पूर्व सैनिकों के मकान को गिराया गया है। हाँ, और मंदिर के नाम पे हमेशा धोखाधड़ी हुआ है, करोड़ों रुपया राम जन्मभूमि के चंदे को ये लोग खा गए हैं। अब हमारे समझ में आ गया है, हमारे लोगों के समझ में आ गया है कि अब मंदिर सिर्फ एक उनका फार्मूला है हिंदू बनाने का और हमको मुसलमान को बिगड़ाने का। अब हम लोग हिंदू मुसलमान में फंसने वाले नहीं है, अब मुझे विकास चाहिए, मेरा भविष्य क्या है। आज हम ओबीसी का प्रधानमंत्री हमारा है, जाति आधारित जनगणना को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव के पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव जीत गए उसके बाद वो इस पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नित्यानंद राय लीक कर दे रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना, अगर जनगणना हमारी हो गई तो आज हम जो हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, कम से कम हमारे पास एक आंकड़ा तो आ जाएगा। तो ये तो आप लोग मतलब ओबीसी समाज की नाकामी है भाई, इतनी संख्या होने के बावजूद भी हम एक जाति जनगणना नहीं करा पा रहे, जबकि अगर आंदोलन करा जाए, सड़कों पर उतरा जाए तो सरकार आज मजबूर हो जाएगी, किसानों ने करके दिखाया, कानून वापस लेने पड़े, तो ओबीसी समाज सड़कों पे क्यों निकलते? तो आपकी नाकामी ये, जब तक आप ढील देंगे तो सरकार तो टाला मटोली करेगी। ये हमारी नाकामी नहीं है, हमारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होने के नाते जो हमारे यहाँ हिंदुत्ववादी व्यवस्था के लोग हैं, हमारे लोगों को उसमें बैठा रखा था, अब सारे लोग उस तरफ से उतर करके अपने समाज के पास आकर के अपने हकदार को मांग रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द सरकार को जाति आधारित जनगणना भी करना पड़ेगा। अगर वो जनगणना नहीं करते हैं तो हमारे ख्याल इतनी बड़ी आबादी जो 60-70% है सड़कों पे आ जाएगा, तो ये जान लीजिए फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा इस आंदोलन को कामयाब होने से। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा कि जाति आधारित जनगणना को करना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको कि जो ओबीसी समाज है वाकई में जागरूक हुआ है या अभी भी धार्मिक बना हुआ? देखिए, इसका तो प्रमाण आपके सामने है कि अभी हम लोग ओबीसी महासभा के नेतृत्व में लगातार हर जिले में कैडर कर रहे हैं और अपने साथियों को प्रशिक्षण देकर उनको हर स्तर पर समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे? जैसे सर ने कहा कि ओबीसी समाज अब जागरूक हो चुका है और वो सड़कों पर उतरेगा अगर जाति जनगणना नहीं करते, तो क्या ऐसा हो पाएगा हकीकत में? इतनी हिम्मत है ओबीसी समाज? देखिए, अगर देखा जाए तो 60% से ज़्यादा हमारी आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, तो आप तो खुद समझदार, अगर 60% हम लोग उतर जाएंगे सड़कों पर तो उनका क्या होने वाला, जो हमको रोकने वाले हैं उनका क्या हश्र होने वाला है? तो आंदोलन तो होके रहेगा सर, कोई रोक नहीं पाएगा। मिलेगा इसका फायदा? बिल्कुल मिलेगा। या बीजेपी फिर से कोई कार्ड खेल देगी हिंदू मुस्लिम वाला? देखिए, बीजेपी का जो रहा है कैडर रहा है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा, और वास्तव में बैकवर्ड हिंदू नहीं है, बैकवर्ड तो यहाँ का मूल निवासी है, और जो हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलती है हम पिछड़े समझ गए हैं, उनका जादू चलने वाला नहीं, और 24 में इस बार वो सत्ता से बेदखल होंगे। कहाँ समझ गया, अभी हैदराबाद में एक मामला हुआ टी राजा का, तो तमाम लोग निकल पड़े कि भाई इन्हें भगाओ यहाँ से, धार्मिक मतलब हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल था वो दे दिया गया। देखिए, वो तो बीजेपी की प्रवृत्ति है
बीजेपी की प्रवृत्ति है कि धार्मिक मसलों को उछालना और लोगों को उलझाए रखना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार चेंजेस होने हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये ओबीसी के वो नौजवान हैं जो देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं ओबीसी समाज के लिए, जाति जनगणना के लिए, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि असल में उनका जो हित है वो किस में है, ना कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में। उनका हक हित जो है वो रोजगार में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है। तो इसीलिए ओबीसी महासभा के जो नौजवान थे, जो नए तरीके से जो सोचते हैं, उनसे हमने विचार आपको सुनाए, क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और आगे चलकर किस तरीके से काम करेंगे। ओबीसी का जो युवा है वो हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनहित आवाज़, दिल्ली।